नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो फ्रिक्शन स्लैब का क्रैश बैरियर होता है और फ्रिक्शन स्लैब होता है, उसकी क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है और उसमें उसका रेनफोर्समेंट कैसा होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, मीन्स कितने टाइप्स का जो है फ्रिक्शन स्लैब बनता है, तो ये सब आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन का आइकॉन जरूर क्लिक कर दें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो जो है वो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाए अपलोड की और आप लोग वीडियो आसानी से देख सको टाइम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरी ड्रॉइंग है। ये ड्रॉइंग का मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, क्रैश बैरियर का हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे रिटर्न वाल के ऊपर जैसा क्रैश बैरियर होता है उसका हो गया, रिटर्न वाल के ऊपर रेलिंग का हो गया है, और ये रेलिंग का यहाँ पे एक सेक्शन इलेवेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे फिर एक रेलिंग का सेक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे कॉर्नर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन स्लैब का यहाँ पे एक ड्रॉइंग बनाया हुआ है, ये देखिए ऐसा। तो ये इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आप बाकी जो चीज़ें हैं ड्राइंग में से देख के समझ सकते हैं, और मैंने पीछे वीडियो भी बना रखे हैं क्रैश बैरियर के, बीबीएस के बारे में बना रखा है मैंने वीडियो, आप लोग जाके देख सकते हैं। रेलिंग का रेनफोर्समेंट इजी है, रेलिंग का आप लोग इजीली बना सकते हैं बीबीएस, इसलिए मैंने उसका वीडियो नहीं बना रखा है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल बनाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरीके से इसका शेप होता है फ्रिक्शन स्लैब का ड्राइंग में, कुछ इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले ड्राइंग को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ डायमेंशंस दिए हुए हैं। देखिए 160 mm का यहाँ पे बीम का ऑफसेट दिया गया है, और यहाँ पे 300 mm की हाइट तक जो है इसको नीचे हम लोगों को बीम के अंदर कंस्ट्रक्ट करना है, जो हमारी कोपिंग वाला जो एरिया रहता है उसके अंदर हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, इसकी 250 mm की थिकनेस हो गई है, और ये हंच हो गया है, 450x450 का हंच हो गया है, और यहाँ पे इसकी विड्थ 50 mm प्लस ये यहाँ पे बीच में इन सबको जोड़ते हैं तो 450 mm बनता है, और ये 50 mm का यहाँ पे स्लोप दिया गया है, और इन सबको जोड़ेंगे तो 450 mm, और फिर यहाँ पे बाद में एक 50 mm का यहाँ पे ऑफसेट है, ये जो कि ये यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से ये इसके डायमेंशंस थे। तो अब इसकी हम लोग पहले क्वांटिटी निकालते हैं कि इसकी क्वांटिटी कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नीचे से। तो यहाँ पे जितना भी ये वाला रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी हम लोग क्वांटिटी निकाल लेते हैं, और उसमें से फिर हम लोग सबसे लास्ट में हम लोग पहले इसकी क्वांटिटी निकाल लेंगे, उसके बाद में ये वाली क्वांटिटी निकाल लेंगे, और सबसे लास्ट में ये वाले बीम का हम लोग यहाँ से क्वांटिटी माइनस कर लेंगे जो जितना निकलता है। तो अब यहाँ पे तीन टाइप से जो है यहाँ पे फ्रिक्शन स्लैब बनाई जा सकती है। सबसे पहली फ्रिक्शन स्लैब, देखिए तीन टाइप मतलब क्या कि अब पहला वाला तो हमारा कास्ट इन सिचू बन जाएगा। कास्ट इन सिचू क्या बनेगा कि आप लोग साइड पे ही कंस्ट्रक्ट करेंगे उसको, और 20 mm के लेंथ पे एक्सपांशन जॉइंट देके साइड पे कंस्ट्रक्ट करना है, रेनफोर्समेंट वहीं लगाना है, पीसीसी करके राफ्ट भी वहीं करनी है, और पूरा यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करना है। और दूसरा तरीका क्या होगा कि आप लोगों को प्रीकास्ट करना है। प्रीकास्ट के लिए बने हुए मोल्ड्स आते हैं, आप मोल्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मोल्ड के इस्तेमाल से आप लोग यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं। वेट के हिसाब से मोल्ड की लेंथ हो सकती है 2 मीटर, 2.5 मीटर, 1500, कुछ भी हो सकती है, वो पूरी तरीके से कंपनीज के ऊपर डिपेंडेबल है, लेकिन ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए ताकि ज़्यादा टाइम लग जाए उनको इंस्टॉलेशन करने में। तो ऐसी होनी चाहिए कि उठ भी जाए हाइड्रा से या किसी क्रेन से, और इजीली वहाँ पे हम लोग प्लेस भी कर सकें, और हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इस तरीके से फ्रिक्शन स्लैब होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे उसकी हम लोग क्वांटिटी निकाल लेते हैं कि क्वांटिटी उसकी कैसे आएगी। तो सबसे पहले कुछ और टाइप्स, एक टाइप का और रह गया है बताना। तो अब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे तो क्रैश बैरियर है फ्रिक्शन स्लैब के ऊपर, लेकिन क्या होता है कि फ्रिक्शन स्लैब के क्रैश बैरियर के ऊपर कभी कभी रेलिंग भी बनाई जाती है। तो ये एक टाइप और हो जाता है उसका कि फ्रिक्शन स्लैब के ऊपर रेलिंग ओवर फ्रिक्शन स्लैब और क्रैश बैरियर विथ फ्रिक्शन स्लैब, ये दो टाइप मेन होते हैं, और इसके कास्ट करने के भी दो दो तरीके होते हैं। तो कुल मिला के चार तरीकों से इनको बनाया जा सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और क्वांटिटी पता करते हैं इसकी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बॉटम वाली यहाँ तक ले लेते हैं पूरी, क्योंकि हम लोग को बीम तो ये वाला कोपिंग बीम का जो एरिया है वो माइनस करना ही है। तो यहाँ तक हम लोग पहले इसकी क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए सबसे पहले नीचे वाली जितनी भी हमारी डायमेंशन है उनको जोड़ लेते हैं। तो फर्स्ट है 2.140 प्लस 0.2 प्लस 0.16, 2.140 ये, 0.2 ये, और 160 ये, यहाँ पे इन सबको मैं जोड़ता हूँ तो आता है 2.5 इंटू, यहाँ पे इसकी थिकनेस हो गई है 250,
तो 0.25 यहाँ पे इसकी थिकनेस, और 2.5 मीटर का मान लीजिए अगर लेंथ है तो 1.563 ये यहाँ पे इसकी क्वांटिटी निकल के आती है। तो ये हो गई पहली क्वांटिटी। अब निकालते हैं दूसरी क्वांटिटी, अब निकालते हैं ऊपर वाले पोर्शन की क्वांटिटी। तो ये 450 की हाइट हो गई है और नीचे वाला विड्थ हम लोग निकाल लेते हैं, ऊपर वाला है 550 जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो 0.55 प्लस नीचे वाला हो जाएगा 0.55 प्लस 0.45, इनका एक एवरेज लेते हैं तो आता है 0.775। इसको 450 की हाइट में और 2.5 की लेंथ में मल्टीप्लाई करता हूं तो 0.871875, इसको राउंड फिगर करेंगे तो 0.872 आ जाएगा इसका। तो 0.872 एक क्वांटिटी ये हो गई इसकी। अब इन सब में से हम लोगों को अब माइनस करना है कोपिंग बीम की क्वांटिटी। तो कोपिंग बीम की क्वांटिटी हम लोग यहां से माइनस करेंगे तो कोपिंग बीम यहां पे होगी ये इसकी। अब डायमेंशंस यहां पे दी गई है तो इसको यूज करते हैं 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, तो 0.15 इसकी क्वांटिटी माइनस हो जाएगी। तो एक मोल्ड में कितना कॉन्क्रीट आने वाला है वो अब लोग हम यहां से निकाल सकते हैं इजिली इन सबको एडअप करके। इन सबको एडअप करते हैं यहां पे 1.563 प्लस 0.872 एंड उसमें से फिर 0.15 माइनस कर देंगे तो 2.285 इसकी क्वांटिटी आती है, 2.285 क्यूबिक मीटर, ये एक मोल्ड की क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, एक अभी ये नीचे वाला पोर्शन निकाला है हम लोगों ने, इसमें हम लोगों को क्रैश बैरियर भी जोड़ना पड़ेगा। क्रैश बैरियर का निकालना बिल्कुल ईजी है, आप लोग इजिली निकाल सकते हैं क्रैश बैरियर का। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इसको पार्ट में डिवाइड कर लेना है। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक पोर्शन हो जाएगा ये, यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल निकलेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे तो एक रेक्टेंगल निकलेगा, फिर यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं तो एक यहाँ पे फिर से एक पोर्शन बनेगा, और फिर लास्ट में पोर्शन बनेगा ये। और मैंने ये यहाँ पे स्मूथनेस कैसे इसको जो है नेग्लेक्ट करना है वो भी मैंने बताया है, और आप देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो में जाके आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप लोग इजीली उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो ये था इसमें। अब जान लेते हैं रेनफोर्समेंट के बारे में। इसका शटरिंग निकालना भी इजी है, आप लोग निकालिएगा इसका, ट्राई कीजिएगा कि शटरिंग कैसे निकलेगी। और अब बढ़ते हैं रेनफोर्समेंट पे। तो इसमें कुछ रेनफोर्समेंट लगते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से एक रेनफोर्समेंट लग रहा है 1B, फिर 2B एक इनर फेस वाला रेनफोर्समेंट हो गया, 3B बाहर वाला इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया, और 4B जो है इधर वाला इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया। ठीक है, उसके अलावा ये 5B वाला रेनफोर्समेंट भी एक डिस्ट्रीब्यूशन ही है, और उसके अलावा फिर 6 नंबर बार आता है, ये कुछ इस तरीके से कर्टलमेंट बार दिया गया है, जो 6 नंबर बार है ये एल टाइप का शेप होगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे एक 7 वाला जो है बार, यहाँ पे एक हंच बार हो गया 7 वाला, देखिए यहाँ पे एंड अप हो रहा है ये, और उसके बाद में एक 8 नंबर वाला बार ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ये यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। फिर 9 वाला ये 9 और 10 स्लेब और बॉटम बार हो गए इसके, फ्रिक्शन स्लेब के, और फिर उसके बाद में 11 जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इसकी सारी डिटेल यहाँ ऊपर टेबल में दी गई है, आप लोग यहाँ से शेप देख सकते हैं ताकि आपको ईजी हो जाए कौन कौन सा शेप कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ किया गया है। जैसे देखिए 6 नंबर बार जो मैं आपको बोल रहा था कर्टलमेंट बार होता है ये इस तरीके से होता है, 7 नंबर बार ये हंच बार इस तरीके से लगा हुआ है, और 8 नंबर बार ये कैसे लगा हुआ है, सेम वैसे ही सारे बार आप लोगों को यहाँ पे शेप में बताए गए हैं। और जिसकी डायमेंशन जैसे ये एल कितने का है ये सारा यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे ये एल 300 का है तो यहाँ पे बताया हुआ है, या 400 का एल है तो ये भी बताया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से सारी डिटेल यहाँ पे बताई गई है। तो बिल्कुल इजी है, आप लोग एक बार कोशिश कीजिए इसका क्वांटिटी निकालना। और BBS हम लोग अगले वाले वीडियो में सीखेंगे, इस वाले वीडियो में अभी नहीं सीखते हैं क्योंकि लेंदी हो जाएगा वीडियो, और लेंदी वीडियोस देखने में बहुत टाइम लेते हैं, इसलिए उनको कोई देखता नहीं है। इसलिए वीडियो जितना से जितना छोटा होगा मैं उतना छोटा से छोटा रखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे इतना ही था इसमें बताने के लिए, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ कि लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों से
लोगों के पास पहुंच सके और अपना जो सब्सक्राइबर बेस है वो भी बढ़ाने के लिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हम पूरी एक फैमिली है, हम सारे इंजीनियर्स हैं, हम पूरी फैमिली और पूरी फैमिली इकट्ठा होके और हम लोग सीखेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में VVS के साथ मिलेंगे। नमस्कार।